इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। भारत की आजादी के बाद से शिक्षा नीति तो वही बना रहे हैं, वही चला रहे हैं, कोई और कैसे चला सकता है। इसलिए जो इस शिक्षा नीति में एक बार बहुत कई बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के एक बिंदु को पकड़कर भारत में आंदोलन की तैयारी चल रही है। सीताराम येचुरी हो या फिर उस लॉबी का राजदीप सरदेसाई हो, उस लॉबी के जितने भी लॉबिस्ट हैं वो सब इस शिक्षा नीति पर टूट पड़े हैं, और सिर्फ एक मुद्दा को लेकर, भाषा के मुद्दा को लेकर। इस शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया, और इस शिक्षा नीति के जो समिति के चेयरमैन थे उनकी विद्वता और ज्ञान के आगे ये सीताराम येचुरी और राजदीप सरदेसाई नौकर की हैसियत भी नहीं रखते। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन समिति ने ये पूरा बदलाव किया है, ये सुझाव दिया है जिसको मान लिया गया है, और इसरो के वैज्ञानिक से ज्यादा तो ही पढ़े लिखे हैं नहीं। कस्तूरी रंगन हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, उनकी शिक्षा की शुरुआत अगर हम देखेंगे, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि बच्चा शुरू के 5 साल वो अपनी भाषा में ज्यादा क्रिएटिव होता है, ज्यादा कल्पनात्मक होता है, ज्यादा अच्छे से सोच सकता है। इसलिए दक्षिण भारत से ज्यादा वैज्ञानिक आते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम में भले आगे जाके पढ़ते हैं, उनकी सोच जो होती है अपनी तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ भाषा में होती है। सबसे ज्यादा साहित्य अकेडमी अवार्ड आज भी कन्नड़ भाषा के साहित्य को मिला हुआ है। तो इस शिक्षा नीति में एक बदलाव किया गया कि 5 साल का जो के बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में, कोई हिंदी नहीं सौंपा गया, मलयालम, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, और यह भी वैकल्पिक रखा गया है, थोपा नहीं गया है। इंग्लिश रहेगा एक सब्जेक्ट की तरह, इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। वहां हिंदुस्तान में इंग्लिश मीडियम में शुरुआत में पढ़ाने का क्या मतलब है? और कहेंगे आप, कई लोग माँ बाप जो अर्ध कचरे ज्ञान से भर परिपूर्ण है, आपका बच्चा कितना ही इंग्लिश पढ़ ले, ना वो एपीजे अब्दुल कलाम हो पाएगा, ना वो कस्तूरी रंगन हो पाएगा। ये आप अपने अंदर समझ के जान लीजिए इस बात को। क्यों? क्योंकि वो शुरू में बच्चा अपनी ही मातृभाषा में सोचता है, क्रिएटिविटी होता है, लेकिन हम अपने बच्चों का शोषण करके उनको अंग्रेजी में सोचने को बाध्य करते हैं। थिंकिंग प्रणाली आती नहीं है, रटने की प्रणाली विकसित होती है। आपका बच्चा किसी कंपनी में कोई क्लर्क टाइप का ही, चाहे आप कहें हमारा बच्चा मैनेजर है तो वो क्लर्क ही, किसी के अंदर क्लर्कियत करने की हैसियत जो अंग्रेजों ने पैदा की थी वही तैयार हो रहा था। तो भारत सरकार ने एक बड़ा जो बदलाव किया, स्कूल के फॉर्मेट में एक बदलाव किया है, 10+2 के फॉर्मेट को चेंज किया है, 5+3+3+4 का फॉर्मेट जो है उन्होंने लागू किया है, और छठी कक्षा से, मैंने 8वीं में ये सीखा हुआ इसलिए आपको बताता हूँ, मैं क्राफ्ट बनाना जानता हूँ, लकड़ी के आइटम्स, लोहे के आइटम मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये जो सिर्फ रटन से शिक्षा चल रही थी उसमें सरकार ने 6 क्लास से बदलाव किया, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसको शामिल किया है, और अब बच्चा छठी कक्षा से पढ़ने के साथ साथ एक किसी एक तकनीक में भी वो पारंगत होता जाएगा, ताकि वो जाकर अंत में कि नौकरी के लिए दर दर भटके ना, रोजगार क्रिएट हो, नौकरी नहीं। भारत की पूरी प्राचीन परंपरा अगर आप देख लीजिए, नौकर तैयार करने की नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने नौकर तैयार किए और नेहरूवादियों ने उस नौकर को और ज्यादा सर चढ़ाया। तो छठी कक्षा से ही एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे, वो जो ट्रेनिंग कोर्स होता है, और साथ साथ छठी कक्षा के बच्चों से इंटर्नशिप का काम शुरू किया जाएगा। ये कितना पॉजिटिव, कितना क्रिएटिव होगा। आप सोचिए, आपका बच्चा जो शुरू में चित्रकला में पेंटिंग कितना अच्छा बनाता है और बाद में वो भूल जाता है, आप उसकी स्किल को, आप कहते हैं कुछ ये पढ़ो वो पढ़ो, अगर उसके अंदर वो चित्रकला का स्किल है तो वो एक, ये जो हमारे दूसरे विचारधारा के थे पंचमकार के, तो आप देखिए कि चित्र बना बना के करोड़ों में एक एक पेंटिंग बेची हमारे देवी देवताओं पर हमला करके, लेकिन हमारे बच्चों को हम बनने नहीं देते, क्योंकि हमें तो अपने बच्चों को क्लर्क बनाना है। तो छठी कक्षा से ही रोजगार परक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। अब आप सब
ये है कि इसमें जो है चौथा जो स्टेज है वो 9 से 12वीं कक्षा तक का है, 4 साल का। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी होगी और पहली बार एक बैरियर तोड़ा गया, आप कहते हैं साइंस लो। अब साइंस में मेरे बेटे को केमिस्ट्री नहीं पसंद है, मैथ और फिजिक्स पसंद है, तो वो एक और विषय जबरदस्ती केमिस्ट्री रट रहा है, रट रहा है। फिर उसको फिजिक्स किसी को नहीं पसंद है, मैथ केमिस्ट्री पसंद है, जबरदस्ती खींच रहा है। अब आप उसके साथ, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो आप म्यूजिक ले सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग ले सकते हो, और वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, वो मेन स्ट्रीम कोर्स होगा आपका और आपको उसकी डिग्री मिलेगी। तो आप जबरदस्ती में मैथ आपको पसंद है और आपको जबरदस्ती केमिस्ट्री ढोना पड़ रहा है, वो समस्या से छात्रों को निजात, छात्राओं को निजात दिला दी गई है। और छठी कक्षा से ही स्किल परक एजुकेशन का पर जोर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड को आसान बनाया गया है ताकि माँ बाप उस बोर्ड का हरि कीर्तन ना करते रहें कि मेरा बेटा 95, 98, 99 जय हरि कीर्तन, जय हरि कीर्तन, और हरि कीर्तन करते करते बच्चा सुसाइड मोड में चला जाए, बच्चा मशीन मोड में चला जाए। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा को बहुत आसान मोड में करने की बात की गई है और इसमें प्रैक्टिकल मॉडल्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा और इस पूरे परीक्षा के स्वरूप को बदलने की तैयारी चल रही है ताकि बच्चा इजी सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव मोड भी होगा, उसमें 2 श्रेणियों में इसका विभाजन होगा। ये भी जोर दिया जाता है कि उसको 2 बार में एग्जाम होंगे, बच्चा पे कोई प्रेशर ना आए। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, जिसके लिए लंपट लाल फतिंगे, लाल हरे फतिंगे चिल्ला रहे, हरे फतिंगे नहीं, उनको तो उर्दू में पढ़ाई जाती है, लाल फतिंगे चिल्ला रहे हैं क्योंकि लाल फतिंगे तो अंग्रेज की औलाद है, तो लाल फतिंगे चिल्ला रहे हैं। बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होता है? आज आप माँ बाप हैं तो आप देखिए, आपके बच्चों को टीचर लिख देता है पुअर, लिख देता है, बच्चे बेचारे डर। अब क्या है कि एक टीचर ने कुछ कह दिया, मेरे बेटे ने एक बार बताया, तो मैंने कहा मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, उसने कहा नहीं नहीं डैड मत कीजिए, ये परफॉर्मेंस हमारा खराब कर देंगे। तो टीचर्स गर्दन दबाए रहते हैं बच्चों का। अब परफॉर्मेंस के 3 लेवल बनाए गए बच्चों के, एक छोटे बच्चों से बता रहा हूं। पहला, टीचर तो देगा, बच्चा स्वयं अपने बारे में परफॉर्मेंस देगा, यस आई एम द बेस्ट। और दूसरा, उसके साथियों से परफॉर्मेंस जो है, अब मेरा भतीजा सुनकर बहुत खुश हो रहा है, टीचरों से बहुत आतंकित रहता है वो, तो बहुत खुश हो रहा है, हंस रहा खूब, क्या तू अपने आप को दे सकेगा। तो ये जो है आपको बच्चा का जो परफॉर्मेंस होता है कि पहला छात्र स्वयं करेगा कि यह मैं अच्छा हूं, मैं मैथ में कमजोर हूं, हिंदी में अच्छा हूं। टीचर नहीं कह सकता पुअर डंप मैथ नहीं, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं लेकिन हिंदी में अच्छा हूं, छात्र खुद लिख सकेगा। दूसरा, उसके सहपाठी बताएंगे कि हाँ इसका क्रिएटिविटी माइंड बहुत अच्छा है एक दूसरे का, ताकि छात्रों में एक इंटरेक्शनल थ्योरी जो काम करे, इंटरेक्शन। और तीसरा जो है उसका शिक्षक आएगा जो बाद में अपना गला दबाने का उसका धंधा धीरे धीरे बंद होगा। छठा जो सबसे बड़ी शुरुआत है, सबसे बड़ी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का जो सिस्टम किया गया वो बहुत अच्छा है। जैसे आपका बच्चा, आपने जबरदस्ती इंजीनियरिंग में धकेल दिया, बच्चे का मूड तो मैनेजमेंट पढ़ने का है, और अब बच्चा प्रथम साल इंजीनियरिंग कैसे कैसे पास कर रहा है और रोज माँ बाप को मनी मन गाली दे रहा है, और माँ बाप जब फोन करते हैं अच्छे हो, ठीक हूँ, मनी मन कहता है तेरे कारण फंसा हूं। तो जब फर्स्ट ईयर वो किया और आगे वो नहीं पढ़ना चाहता, तो आज के समय में उसका पढ़ाई भी अर्थ हो गया। जैसे मैं MBA करने गया था, अपनी कहानी एक बार बता देता हूँ, तो 1 साल करके मुझे लगा टाई लगा के सब ना ये सर्वे उर्वे में जाना था, मैं भाग गया। मैं पटना से MBA की पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर करके मैं भाग गया, तो मेरा तो पढ़ाई गया। लेकिन अब सरकार ने किया कि यदि आपने 1 साल पढ़ाई की तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाए, दूसरे साल आपने किया और तीसरे साल इच्छा नहीं हुआ तो आपको डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तीसरे साल आपने पूरा कर लिया तो डिग्री मिलेगा। यानी आपका पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगा, आपने 1 साल भी पढ़ाई किया है तो, और वो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन होगा। ये बहुत बड़ा चेंज है। मैं कह तो रहा हूं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, MBA मैंने किया, माँ बाप ने जोर नहीं दिया बेचारे, हमारी तो पूरी स्वतंत्रता जीवन में, मेरे जितना स्वतंत्रता बहुत कम बच्चों को मिली है, मैं तो लोगों के मटके फोड़ा करता था, मैं इस तरह का स्वतंत्र बच्चा था, तो मुझे माँ बाप ने नहीं, लेकिन मैं अपने सहपाठियों के संगत में, मैं सोशोलॉजी का स्टूडेंट और फंस गया उधर, और मेरा मन लगे नहीं, टाई लगाना पड़े, गर्दन दब रहा था मेरा, मैंने कहा भाग जाओ यहां से, बहुत हो गया। तो
वो एक साल जो मैं पढ़ा हो तो बेकार गया। तो आज के समय में ये लागू अगर होता उस समय तो मुझे MBA का भी एक सर्टिफिकेशन मेरे पास होता। करना क्या है, अचार डालना है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, तो ये आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि ग्रेजुएशन के बाद एक साल में आप MA कर पाएंगे, दो साल आपको। मैं ये भी मैं बता रहा हूं, मैं अंदर से इसलिए खुश हो रहा हूं, मैं MA करके मैं वहां भी छोड़ा, मैंने हट, ये क्या अब आगे पढ़ाया जा रहा है, मैं मुझे प्रोफेसर तो बनना नहीं था और PhD करना नहीं, सरकारी सिस्टम में जाना नहीं, ये तो बचपन से मेरे था कि मेरे को क्लर्क बनना नहीं थी। वो प्रोफेसर भी वो क्लर्क किए थी, माफ कीजिए मुझे, सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है, मुझे स्वतंत्रता पसंद है। अब MA में क्या हो रहा है, आप ग्रेजुएशन अगर ऑनर्स कर रहे हैं आप ऑलरेडी चीजें जान जाते हैं, फिर दो साल वही रगड़ो, फिर MPhil करो, फिर PhD करो, पांच साल में सरकार के पैसे लो और बैठे रहो और फिर कहो हम प्रोफेसर हो गए, आधी जवानी गई। आपके कम उम्र का कोई 18 साल का वहां विंडो का मालिक हो जाता है, आप 37 साल तक एग्जाम ही घसते रहते हैं, आपकी एनर्जी गई। तो मैं जो जो करके छोड़ता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कोई सुझाव दिए थे, पर मोदी सरकार ने उसको लागू किया तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात भी आपको बता चुका हूं, कम लोग बताते हैं। तो MA आपको अब एक साल में हो जाएगा और MPhil को कर दिया बाय बाय टाटा। ये MPhil का क्या मतलब, JNU में जो बुड्ढे सांड नहीं बैठे हैं, सब बुड्ढे सांड, ये सब MPhil करते हैं, उसी के नाम से ये जो है। मेरी श्रीमती जी हंस रही कि कैसे भाषा बोल रहा हूं, अब मैं क्या करूं, लाल लंपटों के नाम आते ही मेरे देह में खून आग लग जाती है, अब हंस रही हूं, मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इन जो चलो बूढ़े विद्यार्थी, बूढ़े अंकल जो होते हैं ये MPhil वाले, ये बूढ़े अंकल जो आंदोलन हम लेके रहेंगे आजादी, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, हम ले इस कन्हैया का क्या थीसिस से बताइए, थीसिस स्टोरी का इस पर आरोप लगा, इन लोगों ने क्या थीसिस दिया, चलिए समाज को क्या दिया, एक भी योगेंद्र सिंह जैसा समाजशास्त्री पैदा कर पाए ये पीढ़ी, नहीं किया। तो MPhil में क्या, सस्ता हॉस्टल, सस्ता भोजन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्री का मिलते रहते हैं, फ्री का ही मिलते हैं, और उसके बाद एक साथ हॉस्टल में रहना, ये लंपड़गिरी करना, यही सब होता है। MPhil ही खत्म कर दिया, जाओ मरो। अब जो MPhil खत्म किया है तो लाल लंपट सीताराम येचुरी पगला रहा है, इतना आनंद आ रहा है, थोड़ा एंजॉय करो आप सब, इतने सीरियस मत रहा करो। तो अब आपको कि सबसे बड़ी बात की कोई इंजीनियरिंग जबरदस्ती माँ बाप ने किया और दो साल में छोड़ देता है तो उसका डिप्लोमा उसको हो जाएगा, ये वो फंसेगा नहीं कि दो साल मेरी व्यर्थ चली गई मेरे। उसके बाद आपको MA एक साल में हो जाएगा और MPhil को कहा जाओ जाकर लाल देश में जाके अपने झंडे गाड़ो, भागो यहां से। तो MPhil को खत्म कर दिया गया और MA के बाद सीधा PhD में जा सकते हैं, बर्बाद समय करने की जरूरत नहीं, MA एक साल का कर दिया है। और उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद सरकार जैसे UGC NCTC AICTC की तरह एक रेगुलेटर बॉडी बनाने जा रही है, जो अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं इन सब के लिए जो परीक्षा होते हैं इन सब का, उन सब के को नियंत्रित करेगी। साथ ही जो स्कूली शिक्षा है इस देश में 18-20 जो बोर्ड चल रहे स्टेट के, तो वो बोर्ड और NCERT इन सब के लिए भी एक नियामक परख नामक संस्था बनेगी, परख, जो इन सबको कहेगी कि उस स्टैंडर्ड को मैच कीजिए। कि पता चला कि NCERT वाले तो 90% ला रहे हैं और बिहार का 70% ला रहा है बिहार बोर्ड वाला, और क्यों ना ये इजी है ये टफ है, तो इसमें एक सिमिलरिटी हो, इसके लिए एक परख नामक एक बॉडी बनेगी जहां राज्य सरकारों से भी बात करेगी। और उसके लिए फिर लंपट चिल्ला रहे हैं कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। अरे फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब तुम कुछ भी अनाप तनाप करोगे, देश एक है। तो एक नियामक बॉडी उसको सुझाव देगी, उसको मानना बाध्य नहीं होगा लेकिन सुझाव देगी और उसको जो है रेगुलेट करेगी, वो बॉडी जो है रेगुलेट करेगी। और अब जो मिर्ची लगने जा रहा है, सारा सिलेबस बदला जाएगा, जिसके लिए हम लोग इतने दिन से सवाल उठा रहे थे, अपनी सरकार को भी घेर रहे थे। अब तो सिलेबस तैयार होगा नई शिक्षा नीति का स्कूल में, कि ये जो जितने ये पढ़ा रहे हैं ना, आक्रांताओं के इतिहास जो पढ़ा रहे हैं, अब भारत का इतिहास पे सिलेबस पे काम हो रहा है, वो सिलेबस लागू होगा। जिस दिन लागू होगा उस दिन होगा हरा झंडा लाल झंडा, और आपको उस दिन आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मकई का लावा खाते हुए आनंद मनाना है, इनकी लंपटगिरी देखनी है, आनंद करना है।
साथ ही एक और बात कहा गया कि जो स्कूल और कॉलेज का फी है वो बहुत हाई होता है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जो एक तय करेगी कि इससे ज्यादा नहीं। अब कहता है एक स्कूल उसके ड्राइवर भी एसी में टाई लगा के चलते हैं, अब तुम्हारा ड्राइवर टाई लगाए चाहे कॉलर खोल के रहे, मेरे बच्चे के पढ़ाई पर उसका क्या असर है, पर तुम्हारे ड्राइवर के टाई लगाने के लिए मुझे महीने का 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो उस टाई लगाने से मेरे बच्चे के एजुकेशन में क्या जंप आ जाएगा। तो अब उसके लिए एक नियंत्रित बॉडी बनेगी इसमें, और उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाने की तैयारी चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर होगा, वर्चुअल लैब तैयार करने की बात चल रही है। एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे BHU से मैं पढ़ा, और जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे ग्राफिकेरा से मेरा बेटा पढ़ रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और कई जो है दूसरे यूनिवर्सिटी है, तो अभी क्या है सबके अलग अलग नियम है, लेकिन अब एक नियम का पालन करना होगा, वो BHU भी करेगा, वो ग्राफिकेरा भी करेगा, वो प्राइवेट जो है विश्वविद्यालय वो भी करेगा, यानी नियम एक किया गया, शिक्षा के एकीकरण की तरफ, एकीकृत कदम की तरफ सरकार का एक बहुत सुंदर जोर है। ये तो छोटे छोटे आपको मिले हैं, 300 पेज का शिक्षा नीति है, 350 पेज की है, वो सारा मैं फिर आज kapoor.in पर डाल रहा हूं, आप लोग बिल्कुल उसको डाउनलोड कर लीजिए, निःशुल्क है, सब डाउनलोड करके रख लीजिए, वो जरूरी होता है कुछ दस्तावेज रखा जाए, क्योंकि 86 के बाद आई है ये पॉलिसी, यानी छोटे छोटे जो पॉइंटर्स में जारी किए गए हैं वो नहीं, मूल शिक्षा नीति की कॉपी में आपको डालने जा रहा हूं, डाल दिया है, आप वहां से रख लीजिए, क्योंकि आपको ये काम आने वाला है, आपके बच्चों के लिए काम आने वाला है, पढ़िए और उसको पढ़ जाइए।